वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यूट्यूब चैनल देख रहे तुहाडे सारे वीरां दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है। तो अज आपां लैके आए हां एक नवे ढंग की वीडियो जिहड़ी कि तुसीं इस तों पहलां कदे यूट्यूब ते नहीं देखी होनी। जी हाँ, यह हैगी आ अमृतसर शाही ते वटां वाली पग नूं मिक्स करके तकरीबन तीन पगां दा सुमेल आ। तुसीं पटियाला शाही कह लो जां सैमी पटियाला शाही, अमृतसर शाही जां वटां वाली, तिन्नां पगां दीआं जिहड़ीआं टाइप्स ने उन्होंने मिक्स करके जोड़ा स्टाइल आप बनाया गया है। तो सब तो पहला चैनल पर नवे हो तो सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में सबसक्राइब कर लो, तो बैल आइकन जरूर दबा लियो जी। सो आप वीडियो शुरू करते हैं। पग की पहला लेंथ दस दो, 7.5 मीटर रूबिया वैल की पग है। तो जोड़ा आप पहला लड़ लगया जी वो आप जी आईब्रो आ पूरी कवर कर देनी है, तो गल तो थोड़ा चक के लगाना। तो पहले लड़ के जिमें कि मैं दस कि बालों वाली पग तो दूजिया पगों मिक्स करके जोड़ा स्टाइल क्रिएट किया। सो पहला लड़ आप बलों वाला पाँना देख रहे हो कि ज़्यादा बल नहीं पाए, 4 या 5 जड़े आ बरीक बरीक जोड़े बट ने वो तुसी क्रिएट कर लेने। दूसरा लड़ बिल्कुल सिंपल उस तरीके उपरों लैके आना, लड़ सेंटर तो चक के वो पलियां इकट्ठा करते जाना है। 4 या 5 बार करा तो 5 पले क्रिएट हो जाएंगे। अगर घट लग रहे हैं बल तो नीचे वाला जोड़ा पला भी तुम खिंच के उन्होंने बिच ऐड कर लेना है, जिदे नाल बल ने होर बन जाएंगे। अगर घट लगते हैं फिर थोड़ा उपरों चक के उन्होंने जिन्ने बार तुसी लड़न कला कला सिंगल वाला इकट्ठा करोगे तो उन्ने जड़े लड़ने वह पेज जोड़े बट ने बन जाएंगे। सो अगे लिया के उन्होंने तुसी कले कले जड़ा बल तुसी कढ़े सी पले उन्होंने नेड़े नेड़े कर देना है। जोड़े बल ने घट्टो घट 4 या 5 जोड़े बल ने थोड़े होने चाहिए ने। इस तो ज़्यादा तुसी संघने चाहते हो तो तुसी ज़्यादा जोड़े लड़ने कढ़ लेने ने। सो जिहड़ा बेस आ नीचे सिंपल बेस बन्या गया जी, जिहदे विच एक छोटा कपड़ा विच साइड ते लगाया गया ताकि जिहड़ी पग की शेप आ साइड तो दबे ना। सो अगर तुसी जो बेस अमृतसर शाही दस्तार दे विच बांधदे हो जां पटियाला शाही जो फुलमी बांधदे हो जां वटां वाली फुलमी उहदे लई जो ट्राई करदे हो बेस तुसी बन्न लिओ। अगर तुसी सिंपल तरीके नाल भी बन्नना चाहो तो उहदे नाल भी बन जा सकदी। अगर तुहानूं शेप रिलेटड कोई प्रॉब्लम आ जाए तां तुसी छोटा कपड़ा साइड ते लगा सकते हो, जिहड़ा कि बेस दे विच पहले ही लगा दिता तां कि बाद दे विचों पेच दे विच लगाउण दी कोई दिक्कत ना आवे। सो दो लड़ ने जिहड़े मैं बलां वाले लगाऊंगा। तो एक गल दा ख्यास कर रखे कि जिहड़ा पिंच है जिहड़ा लड़ां नूं जदों सेंटर तों आपां मोड़दे आं सज्जी जिहड़ी अखा अपनी उहदे ते रख्या मैं, क्योंकि जिवें जिवें मैं लड़ां दा अगे वल वधदा जाऊंगा 6वें लड़ तक सज्जी अख तो यह बिल्कुल सेंटर नक् की सेध आता जाऊगा। सो हूँ मैं की किया दो लड़ लगाते जोड़े मैं बलों वाले लगाए ने, जिदा मैं वीडियो पहला दस्या कि बलों वाली पग तो बाकी स्टाइल मिक्स की। सो जोड़ा बलों वाला टॉपिक से अपना इतने क्लोज़ हो गया दो लड़ा तक। सो उस तो बाद अमृतसर शाही दस्तार की गल की सी। सो एक लड़ के जोड़े दो लड़ ने वो हूँ मैं बना लेने, ये है अपना तीसरा लड़। पहले दो लड़ बटा वाले तो तीसरे लड़ के एक जोड़े दो लड़ ने मैं बना रहा। 5 ही दस्तार बांधते हो तो पहले दो लड़ा के भी सेम इस तरीके वाल पा लेने ने, तीजे लड़ते दो चौथे दो तो 5वां जोड़ा पेच सिंगल लगा के जी दस्तार कंप्लीट कर देनी है। बाद जोड़ा अपना पेच आप लगा रहे हैं वो सफाई आप दी कर लेनी है, पेचों की मटाई इको जी रखनी है, तो पेचों का जोड़ा गैप बाज के नाल दाल सफाई मेनटेन करते जाना है। अगर तुसी रोज़ एक ही जिहड़ा दस्तार दा स्टाइल सजा के तुहानू लगता है कि तुसी कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल नवी चीज़ आ, बहुत क्रिएटिव भी आ ते सौखा तरीका भी आ, हर एक बंदा इहनू की आ ईजीली जिहड़ा ट्राई कर सकता, जिहड़ा अमृतसर शाही ते बटां वाली पग बन सकता ईजीली इहनू बन सकता। सो हुण जिहड़ी गल कीती सी तीसरे स्टाइल की कि पटियाला शाही की, सो जिहड़े लैफ्ट साइड सॉरी राइट साइड तो जिहड़े लड़ने जिहड़ियां उपरलियां टर्नां हुंदियां ने अपनी उपरलियां लेयर इन्हां नूं आपां नीचे वल्लों लैके आउणा जिवें आपां पटियाला शाही पग 'च लैके आउंदे आ। अगर तुसीं पग दी शेप ज़्यादा घुमा रहे हो तां इन्हां नूं पटियाला शाही पग वांगू लैके आउणा, अगर तुसीं सैमी शेप जिहड़ी रखणी है इहदी तां इन्हां दा गैप आ उपर घट रखणा, थोड़े थोड़े लड़ां नूं नीचे वल लै आउणा है। अगला पिंच बिल्कुल उही अख जिहड़ी अपनी तुहानूं मैं पहलां दस के हटिया सज्जी अख दे बिल्कुल उपर आपां पिंच लगाता है, उपले लड़ां की सैटिंग करके लड़ नूं खिंच के चढ़ाई कर ली है। उस तो बाद
सेंटर तो थोड़ा जिहा नीचे दो लड़ने जिहड़े मैं क्रिएट कर ले आ। ये मेरा जिहड़ा है चौथा पेज है जिहदे भी मैं सेम तीजे लड़ दे वांग एक दे दो लड़ बनाए ने। सो इनू तुसी अंगूठे की मदद नाल भी सही कर सकते हो। अगर तुसी अंगूठे की मदद नाल हजे इहदे विच प्रिपेयर नहीं हैगे तां तुसी बाज दी वरतों दे नाल इनू सही कर लेना है। नाल दी नाल इहदे विच बाज फेरना जरूरी है। सफाई इक्को जी आउंदी आ, पेचां दा गैप मेनटेन रहिंदा है ते पेचां दी जिहड़ी मोटाई आ उह सही रहिंदी है ते पग दी शेप वधिया बणन दे विच बहुत मदद हुंदी आ। लड़ने अपनी प्रोपर जगह दे उत्ते सैपरेट होके लग जांदे ने। सो नीचों मैं लड़ा दा गैप इक्को जिहा करके लड़ा जिहड़ा लगा दिता है ते उपरों पासों लड़ नूं खिच के उहनूं सफाई कर ली है ते उपरों हल्का जिहा खिच के उहनूं मोड़ दिता है ताकि जिहड़ी पग दी शेप आ थोड़ी होर सोहणी आ सके। ये जो मैं लड़ लगा रहे हैं चौथा लड़ है, इस तो बाद पंजवां लड़ लगेगा जो भी ये वाग ही बिल्कुल सेम एक ते दो लड़ बन गए। चौथा लड़ जिहड़ा आपां लगाया है हत्थां दी पोजीशन ध्यान च रखते हुए नोट करो कि जदों तुसीं लड़ घुमाउणा है तां बिल्कुल एंड तक जिहड़े पेज सही करने आ तां कि बैक साइड ते भी पेचां दे विच पूरी सफाई आवे ते उहनां दा गैप इक्को जिहा रहे। ठीक है जी, ते हुण अगली वारी जिहड़ी आउंदी आ उह हैगी आ अपने पंजवें लड़ दी। इस साइड तो देख रहे हो तुसी उपरले लड़ थोड़े थोड़े आपां नीचे लैके आंदे ने। इहनू लड़ नूं भी फिर उसी तरह अख तो भी लड़ नूं नीचे खोल लेना है ताकि जो आपां लड़ नूं मोड़ीए तां जदों मोड़दे आं लड़ इकट्ठा हुंदा ते अख तक आ जावे। अगर आपां अख तक खोलोंगे मोड़ने वेले होर उपर चढ़ जूगा। सो इहनू जिन्ना नीचे तुसी खोल सकदे हो खोल सकदे हो। इहदे नाल जदों तुसी नीचे वल नूं खिच्चदे हो उपरले लड़ां दे विच वी सफाई आ जांदी आ। सो जिद्दां हुण तुसी देख रहे हो कि सज्जी अख तो जिहड़ा पिंच लगाया सीगा वह अगे वल वध गया है। इस तो अगले लड़ दा अगे वध जूगा ते अपना जिहड़ा लास्ट लड़ है नक दी बिल्कुल सेध दे विच आ जूगा। सो एक बार अंगूठे नाल पिंच करके लड़ उपर रख लिया है, फिर उहनूं साफ करके सेंटर तो थोड़ा नीचों मैं दो लड़ बनाउणे स्टार्ट करने हाँ। जिन्नी तुसीं सेंटर तो चढ़ाई रखनी चाहुंदे हो जो सेंटर ते नोक बनदी है पग दी उन्ना हिस्सा छड़ के उतों नीचे वाले पासे तुसी दो लड़ बना लेने ने। जिदा हम तुसी देख रहे हो कि जिथों मैं दो लड़ बनाना शुरू किए थे उत्तों उत्ते वाला जिहड़ा पार्ट रह गया मेरे को इन्नी जिहड़ी मेरी नोक दी आ ये चढ़ाई आऊगी। सो इहदे विच फिर पहला वाला जिहड़ा स्टैप आपां रिपीट करांगे। सो जिन्हें भी वीडियो देख रहे ने ये वाले स्टाइल नूं जरूर तुसी सारे जने ट्राई करके देखियो ते जो भी वीर ये दस्तार सजाऊगा जो भीर इंस्टाग्राम चलाउंदे आ तां उहदे ते मैनूं फोटो टैग जरूर करियो ताकि पता लग सके कि किन्ने जिहड़े वीरां ने स्टाइल जिहड़ा पग दा सजाया है ते बहुत वधिया ते अलग एक नवीं चीज़ है ते काफ़ी जिहड़े आ तुहाडे फॉलोअर्स ते फ्रेंड ने उह ये चीज़ नूं पसंद करनगे। सो इंस्टाग्राम ते जिहड़ा वीर नहीं ऐड हैगा वह भी ऐड जरूर हो जाओ। सेम नाम तो आई डी आ जसकरनदीप सिंह टर्बन गैंग नाम तो तुसी उत्थे भी जिहड़ा जॉइन हो सकते हो। अगर तुहाडा कोई पग रिलेटेड डाउट या कोई मैसेज या वीडियो दे लई कोई फीडबैक है या अगली किसी वीडियो की तुसी डिमांड चाहते हो तो उत्थे भी तुसी मैसेज कर सकते हो। पेचां दी सफाई बिल्कुल एंड तक नाल दी नाल ही करनी है। इस तो इलावा तुसी बैक शीशे नाल डबल शीशे नाल जिहड़ी सफाई उह कर सकदे हो। सो कोशिश करो नाल दी नाल जिहड़ी पेचां दी सफाई उह करन दी। सो हुण जिहड़ा अपना ये वाला लाड़ा ये भी बिल्कुल लग चुका है ते हुण हल्का हल्का इहनां नूं मैं पिंच कर रहा पेचां नूं ताकि पिछे तक सफाई आवे ते इक मैनूं पेचां दा प्रोपर गैप पता लग सके किसी लड़ दे विच मटाई जां गैप घट वध तां नहीं। सो इन्नी शेप मेनटेन होने तो बाद हूँ अपना जिहड़ा लास्ट पेज रह गया कलगीवाल लड़ तो जिहड़ा पहला वाला लड़ हुंदा वो हूँ आपां लगाउण लगे हाँ।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ ਕਲੈਕਟ ਐਪ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਉਹ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹੀ ਮੋਰਨੀ 1-2-3 ਜਿੰਨੇ ਲੜ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਵੇਚਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਵਿਨਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਓ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਨਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਹਾਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪੇਜ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੱਗ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੇ ਹੋਏ ਗੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੜਾਂ ਦੇ ਵਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ, ਸ਼ੈਮੀ ਅਤੇ ਬਟਾਲੀ ਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਦੇ ਹੋ, 6 ਵਾਲੀ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 7 ਵਾਲੀ ਬੰਨਦੇ ਹੋ, ਬੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਲੀ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੜ ਦੇ ਵਲ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਅਤੇ 6 ਵਾਲੀ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਪਾਉਣੇ, ਅਗਰ 7 ਲੜੀ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਗ ਕਰਿਓ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।
तब तक देखते रहो। होर भी वीडियो बहुत वधिया जिहड़ियां पाईआं ने, लाइक कमेंट ते शेयर करना ना भुल्यो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।